रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान, आप सरकार बनने पर गुजरात को भ्रष्टाचार और भयमुक्त करने को दी गारंटी। यूपी सरकार बाहुबली अतीक अहमद पर करेगी बड़ी कार्यवाही, लखनऊ बंगले को कुर्क करने की बनाई तैयारी। केरल में कांग्रेस के अभियान का आज तीसरा दिन, राहुल गांधी ने कहा भारत के टूटे सपने को हम जोड़ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ये भारत जोड़ो की आड़ में भारत तोड़ो का काम कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन में लगाई आग। नमस्कार, देख रहे हैं आप प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। गोरखपुर में सीएम योगी ने संतों को संबोधित किया, साथ ही सीएम योगी ने महंत दिग्विजयनाथ को श्रद्धांजलि भी दी। वहीं अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म हमें प्रेरणा प्रदान करता है, साथ ही उन्होंने कहा कि साधु संतों का वो स्वागत करते हैं, धर्म एक दूसरे को जोड़ता है। आज देश शांति काल में है तो ये खा पी करके खूब मोटे ताजे हो गए हैं, क्योंकि अब अखाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र और धर्म के सामने कोई समस्या पैदा होती थी तो यही लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान करने के लिए यही परंपरा अपने आप को समर्पित करती थी, और यही भारत की परंपरा है। बेहतर समन्वय कैसे होना है, यह भारत की संतों की परंपरा सदैव प्रत्येक भारतवासी को इस बात की प्रेरणा देती रही है। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत है। मैं एक पूज्य संतों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, सभी विद्वानों के प्रति, उपस्थित जनप्रतिनिधियों के प्रति, माणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, प्राचार्य, आचार्य और सभी उपस्थित छात्र छात्राओं के प्रति, विद्वज्जनों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। ओम शांति। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं पुण्यतिथि पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उनकी मूर्ति पर पूजा पाठ कर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में चल रहे कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम में साधु संत एवं विद्वानजनों के साथ गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया। उन सभी मुद्दों, उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों को ध्यान में रख करके जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया था, धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा न हो। कोई समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के अवसर उनके सामने न हो। गोरखपीठ की परंपरा सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति तो सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करती रही है। अमेठी में एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में शांति कमेटी बैठक हुई, जिसके बाद आगामी त्योहारों को देखते हुए कोतवाल प्रभारी अरुण कुमार द्विवेदी ने क्षेत्र के सर्व समाज संप्रभात लोगों उसके के साथ बैठक की, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों पर हो रही अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और शांतिपूर्वक त्योहार मनाइए।
खबर अलीगढ़ से है, जहां सर्वशक्ति सेवा संस्थान ने दो दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम लोग संस्था का 7वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत 17 तारीख को ब्लड डोनेट कैंप लगाकर रक्तदान किया जाएगा, तो वहीं 18 तारीख को मेधावी छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए साइकिल वितरित की जाएगी। संस्था के सदस्यों ने बताया कि हम आगे भी समाज हित में कार्य करते रहेंगे। हमारी संस्था का 7वां वार्षिक उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, और जिसमें हमें 17 तारीख को रक्तदान का आयोजन किया गया है, जो भूतेश्वर बगीचे में प्रातः 10 बजे से होगा, और उस रक्त से सभी लोगों को आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। तो किसी को रक्त की आवश्यकता होती है तो वो लगातार हमसे कहता है कि भैया हमें रक्त की आवश्यकता है, तो प्रतिवर्ष 250 से 300 लोगों की रक्त की आवश्यकता को पूर्ति संस्था द्वारा किया रही जाती है। अलीगढ़ में अपहरणकर्ताओं ने 5 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि मासूम बच्चा अपने घर से स्कूल पढ़ने के लिए गया था, उसी दौरान स्कूल में पहुंचे अपहरणकर्ताओं ने 5 साल मासूम बच्चे का अपहरण करते हुए 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने 3 घंटे में मासूम बच्चे के अपहरणकर्ताओं को चंगुल से निकाल लिया। साथ ही किडनैपर और उसके साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। पुलिस अपहरणकर्ताओं की जाँच पड़ताल में और जुट गई है। मेरा नाम विनोद कुमार है, मेरे पिताजी का नाम देवकी नंदन है, मैं गांव बड़ौली फतेहगढ़ का रहने वाला हूं। आज 12 सितंबर 2022 को मेरे भतीजे का अपहरण हुआ था 11 बजे करीब, तो ढूंढना उसको स्टार्ट किया, नहीं मिला, तो फिर बाद में 2-3 घंटे बाद फिरौतियों की कॉल आई थी, उन्होंने पैसों की मांगी थी। पैसों की मांग के बाद हमने सूचना मरक थाने में दी थी, तो पुलिस वालों ने अपना एक्शन उठाया। एक्शन उठाने के बाद उन्होंने अपनी टीम सारी फैलाई थी सब तरफ, तो उसके बाद 3 घंटे में मेरे भतीजे को वापस कर दिया। सारे आरोपी जो भी थे मुजरिम वो सब पकड़ लिए हैं, और मेरा भतीजा मेरे पास है। अब मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अलीगढ़ पुलिस वालों ने इतनी मेहनत की थी जीदारी से, उन्होंने 3 घंटे में मेरे भतीजे को वापस कर दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। अलीगढ़ पुलिस वालों को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज दिनांक 12 सितंबर को रात्रि करीब 9 बजे के आसपास ग्राम बड़ौली फतेहखान से थाना मड्डाक में सूचना प्राप्त हुई कि एक 5 वर्षीय बालक सुबह 11 बजे से लापता है, और उसके परिवारजनों को 1.5 लाख रुपए फिरौती मांगने के लिए एक फोन कॉल आई। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मड्डाक में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना का सफल अनावरण करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा अथक परिश्रम और बेहद सूझबूझ दिखाते हुए 3 घंटे के अंदर बालक को सकुशल बरामद किया गया है, और घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को रात भर लग करके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम अखिलेश, आकाश, चमन, गुड्डू और सचिन है, और ये सभी थाना मड्डा क्षेत्र के रहने वाले हैं। अयोध्या के मवई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चले, सर्पदंश से पीड़ित बेटे को लेकर पिता अस्पताल पहुंचा, जहां कोई चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। चिकित्सक और कर्मचारी का दरवाजा खटखटाता रहा, वहीं इलाज न मिलने से पीड़ित ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पीड़ित पिता ने अस्पताल के कर्मचारियों और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इलाज के अभाव में मौत होने की बात बताई। वहीं जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की सूचना मिली, जो भी दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे ये थे, हमारा लड़का की इमरजेंसी में तबीयत डाउन हुई, उसके सांप ने काट लिया था। वहीं हम 4 बजे के टाइम आए, वहाँ पे हमें कोई मिला नहीं है, कोई भी नहीं मिला, कोई डॉक्टर भी नहीं मिला। अब हम किससे शिकायत करें, हमारा लड़का जो है वहीं पे दम तोड़। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से 5 चोरी किए गए वाहन भी बरामद किए। साथ ही पूछताछ में इस गिरोह के सरगना ने पूछताछ में बताया कि ये सब लोग पुलिस की सर्विस लाइन से बचने के लिए कई तरह की तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। गिरफ्तार चोरों पर 22 मुकदमे दर्ज हैं, और चोरों पर 25,000 का इनाम भी घोषित था, जो कि जिले के एक बड़ा शराब तस्कर भी है। हालांकि पुलिस के चंगुल से 2 अभी चोर फरार हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज एक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जो कि विशेष तौर से दिल्ली NCR क्षेत्र में
काम करने वाला अंतर्राज्यीय गैंग है। इस गैंग के 3 साथी हैं जो पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनका जो मेन सरगना है दीपांशु पुत्र विपिन, निवासी बचलौता, थाना बाबूगढ़ हापुड़ का रहने वाला है। ये 25,000 का इनामिया भी है और थाना मसूरी क्षेत्र से वांछित चल रहा था। देखिए, इन सारी चीज़ों की छानबीन अभी की जा रही है। गोंडा में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और प्रदेश व्यापी हड़ताल। एनआरएलएम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं 16 ब्लॉकों के एनआरएलएम के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया और कहा कि आज रोजगार पर संकट मंडरा रहा है, हम सब हक मांग रहे हैं। साथ ही कहा कि शांति माहौल से ये कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में चल रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि वेतन में बढ़ोतरी की जाए, हमारी जो मांगे हैं सरकार सुने और सुविधा प्रदान करे। मैडम, निलंबिश कुना से वास्तव है, हम लोग NRLM में कार्यरत हैं। यहाँ पे हम लोग का सामूहिक धरना प्रदर्शन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, पूरे यूपी में हो रहा है, 826 ब्लॉकों में, क्योंकि हम लोग खुद ही स्वरोजगार दे रहे हैं और आज अपने स्वरोजगार पर रोजगार पे दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि 2013-16 के बाद हम लोग का कभी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जी, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं यहाँ गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक में BMM पर कार्यरत हूँ। हम यहाँ जितने भी साथी हैं 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कार्य बहिष्कार पे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के, जिसके लिए पूर्व में भी हम लोग को SES सर मनोज कुमार सिंह के द्वारा आश्वासन दे करके हम लोग के साथ छल किया गया, जो आज तक हम लोग को नहीं दिया गया है। मेरा नाम अंबिका कनौजिया है, मैं जिला मिशन प्रबंधक हूँ। ये हमारी पूरी टीम है NRLM की, हमारे समस्त BMM की टीम है। हमारी मांग ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चलाए हुए एक मुहिम है, जब से हम लोग विगत 5-4 सालों से मैं NRLM में काम कर रहा हूँ, उस गरीब तबके के लिए, उस गरीब समुदाय के लिए, लेकिन अब तक हमारा जो है ना तो हमको वेतन में इंक्रीमेंट लगाया गया है और ना ही जो है हमको जो है हमारी जो है इंश्योरेंस करवाई गई है। संभल के मूसापुरी हिसापुर में आंगनबाड़ी शिक्षिका बच्चों में बटने वाली खाद्य सामग्री को ब्लैक करते पकड़ी गई। आपको बता दें कि राशन से लदी रिक्शा में 4 बोरी गेहूं, 2 बोरी दलिया और चने की दाल पकड़ी गई, जो राशन सामग्री ब्लैक की जा रही थी और बाजार तक पहुंचाई जाने वाली थी। उस पर विभागीय अधिकारियों के मामले की सूचना दे दी गई, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी का कहना था मामले की जाँच कर दोषी के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। श्रावस्ती में जयचंदपुर कटघर में स्कूल में बच्चों की पिटाई का मामला थम नहीं रहा। आपको बता दें कि कक्षा 5वीं की छात्रा ने शिक्षामित पर पिटाई का आरोप लगाया है। वहीं शिक्षामित की पिटाई से छात्र बेहोश हो गई, जिसके बाद छात्रों के परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों ने शिक्षामित के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। साथ ही परिजनों ने आरोपी शिक्षामित पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। किसने मारा था? राकेश कौन है? अध्यापक है आपके स्कूल में? टीचर हैं, शिक्षामित हैं क्या? हाँ। शिक्षामित पढ़ाते हैं तो क्यों मारे? सर, हम पीछे मुड़कर देख लिया, बस हमको एक थप्पड़ मोड़े पे मारे और मुक्का से पेट में मारे। फिर क्या हुआ? बस हम भी हो गए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। नाम क्या है आपका? मामला यह है कि हमारे ग्राम पंचायत जैतपुर कड़धा में प्राथमिक विद्यालय शोभारामपुरवा है, वहाँ मेरी बच्ची एक पढ़ रही है, उसका रोशनी नाम है। उसको हमारे आदरणीय परम आदरणीय गुरु जी ने, राकेश कुमार हैं, पुत्र श्री राम छत्तर जी हैं, उनके द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया। गुरु होता है जिसका एक मार्गदर्शक, एक क्या प्रताड़ित बच्चों का सबसे सर्वप्रथम मार्गदर्शक वही कराता है। आज इस तरीके से अवहेलना किया गया, उसको पीट करके इतना पीट दिया गया है, उसकी कमर पर इतना चोट आई है। आज हम वहाँ इलाज कराए हैं, जब बेहोश फिर हुई है। हम यहाँ एक्चुअली रहते नहीं, सिरसिया रहते हैं, अभी सिरसिया से आए हैं। बच्ची रोने लगी, पापा मेरा कमर बहुत दर्द। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां गांव वालों को पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला। सूचना मिलते मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि शव की पहचान हो गई। युवक बाहर नौकरी करता था, लेकिन कुछ महीने से काम नहीं मिला तो गांव लौट आया है। गांव में मृतक का किसी से विवाद चल रहा था। मृतक कुछ दिनों से काफी परेशान था, जिसके बाद पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। गारा सऊदी, कब गया था सऊदी? आज 3-4 महीने पहले। आ? 3-4 महीने पहले, मार्च में 18 मार्च को। फिर क्या हुआ? फिर जो है काम नहीं लगा था, तो नबी अहमद पठान नानोरपुर के, तो ये कहा लग के जो है, तो काम टिकट लगाओ, हमारे वापस ले
तो पैसा मांगेगा कहे मारी दिया टांग नबी अहमद कहे। फिर हमारे घर लड़का गवा हमसे सबसे बोला नहीं फिर आए कहें यहाँ उन्होंने क्या कहे रुपया जैसे मांगे और पास जौन है यहाँ माँ सवेरे आज फोन। फिर क्या हुआ? फिर जौन है हमका पता नहीं है यहाँ मारा टांगा मिला। खबर यूपी के सीतापुर से है जहां पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रभान ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों चौकी प्रभारी ने एससी समुदाय के व्यक्ति से अभद्रता की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने खेद जताते हुए कहा पुलिस को ट्वीट के जरिए संदेश दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रभान ने सदर क्षेत्र अधिकारी को निर्देशित कर दिया, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। अभी कल का एक विषय मेरे संज्ञान में आया, एक वीडियो फुटेज मुझे प्राप्त हुआ जिसमें कि भाजपा अनुसूचित मोर्चे का पदाधिकारी था, हमारा कार्यकर्ता था सतीश भार्गव, वो कुछ मामूली विवाद हुआ था उसको लेकर वो चौकी प्रभारी के पास गया था, अपना प्रार्थना पत्र दिया। मुझे पता चला कि प्रार्थना पत्र चौकी प्रभारी जी ने पहुँच के फेंक दिया और उसको बहुत ही अभद्रतापूर्वक उससे व्यवहार किया और उसे जांच सूचक गालियाँ दी और उसे उसको वहाँ से मार के भगा दिया। उससे इस वीडियो जैसे ही मुझे प्राप्त हुआ मैंने इसको लेकर थाना अध्यक्ष नवनियुक्त थाना अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं आलोक मणि त्रिपाठी जी, मैंने उनको अवगत करा, उन्होंने सीधे कार्रवाई करने से मना कर दिया। तत्काल प्रभाव से मैंने और हमारे मीडिया प्रभारी प्रतीक जी ने ट्वीट करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्होंने तत्काल प्रभाव से विषय को संज्ञान में लेते हुए चौकी प्रभारी अजय जी को निलंबित कर दिया, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। बलिया के नगर कस्बे में एक युवक ने जेई और लाइनमैन पर बंदूक तान दी। आपको बता दें कि जेई और लाइनमैन बिजली वसूली करने गए थे, वहां अब युवक का बंदूक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद सनकी युवक से किसी तरह जेई और लाइनमैन जान बचाकर भागे। दबंग युवक ने जेई का कॉलर पकड़कर खूब डराया धमकाया। जेई के युवक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक के बंदूक की रिपोर्ट डीएम को भेजी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद डीएम ने शस्त्र का लाइसेंस रद्द करने की बात कही, वहीं पुलिस ने आगे की जांच जारी कर दी है। जेई को जो संबंधित जेई है उसको धमकाया गया, तो इस क्रम में संबंधित थाने पे FIR भी दर्ज करा दी गई है और शस्त्र व्यवस्थीकरण की कार्रवाई जो है वो गतिमान है। गोंडा में 6 माह से रसोइयों को मानदेय नहीं मिल रहा है, वहीं 500 से अधिक रसोई ऐसे हैं जिन्हें मानदेय नहीं मिला है। आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारी बजट का अभाव बताकर बचने में लगे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि महंगाई के इस दौर में परिवार को नमक रोटी खिलाने भर का मानदेय भी नहीं मिला, दुर्भर हो रहा है। दिक्कत यह है कि पैसा कौड़ी तो मिलत नहीं है, बहुत परेशानी रहा था, कौन थोड़ा 2,100 1,000 रहा था तो हमारा पूरा नहीं पड़ता है, वो लड़के हाली खर्चा दिया नहीं है तो हमारा कौन मेरे खर्चा चली, 6 महीना खर्चा नहीं मिला है। कितना महीना हो गया? 6 महीना। अच्छा, तो कैसे खर्चा चलता है, क्या करती है? अरे कौन मेर के गाड़ी पार कौन मेर के करी थे और कहा करी हम, यार वो आवत है खर्चा पर्चा यो में 4-5 हजार लगी तो कौन मेरे के खर्चा चलाई हम, मौज मजमूर है हम। खर्चा पानी ना मिला था, अब बराबर खर्चा 6 महीना हो गया, खर्चा ना दिए अब लोग तो कैसे गाड़ी चल पाई, अब का बोले देवो तब खर्चा हो, घर वाले पैसा तारा देते ही नहीं खर्चा, यही खाती मजूरी करी थे। हमीरपुर में पगवई गांव के युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि जब वो अपने घर नहीं पहुंचा तब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, जिसके कुछ ही दिन बाद तालाब में शव मिलने की जानकारी मिले। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं युवक की मौत के परिजनों से कोहराम मचा हुआ है।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां जन समस्याओं के निदान के लिए जन समाधान सेवा समिति नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं समिति के लोगों का कहना है कि कई बार निर्माण व मरम्मत कार्य को लेकर नगर निगम में प्रार्थना पत्र दिए पर कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। बता दें कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही समस्याओं का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। समिति हमेशा रवि कुचले वर्ग व समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ बनकर उभरती है, जिस क्रम में समिति कई बार आम जनमानस की तमाम समस्याओं को लेकर नगर निगम में नगर आयुक्त महोदय व उनके अधीनस्थ अधिकारियों को मांग पत्र व शिकायती पत्र सौंप चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा उन पर कोई सुध ना ली गई बल्कि गुमराह करते हुए कहा गया है कि विभाग के पास धनराशि नहीं है जिससे वो कामों को करा पाएँ। गोदाम में एक लाइट व्यवस्था देखे हैं, एक कर्मचारी हैं पारसनाथ यादव, जिनका कहना है उनको लगातार शिकायतें की जाती हैं कि लाइट व्यवस्था ठीक नहीं है और मरकरियां ठीक नहीं हो पा रही हैं और नई मरकरी जहां पर लाइटें लगना है वो भी मांग नहीं पूरी हो पा रही है। निश्चरदई में लगातार अंधेरा है और तमाम जो ऐसा माहौल चल रहा है, दहशत का माहौल है, अंधेरे में जी रहे हैं लोग, मजबूरी में अंधेरे में जी रहे हैं, तो उनको सब शिकायतें की जाती हैं। कंप्लेंट करने के बाद भी जब लाइट नहीं सही होती, ज़्यादा फोन करने पर वो कहते हैं कि धरने पर बैठ जाओ, भूख हड़ताल पर बैठ जाओ, आपका समाधान हो जाएगा, लाइट सही हो जाएगी। सीतापुर में सैकड़ों झोला छाप डॉक्टर फर्जी हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, ना तो पैरामेडिकल टीम ना ही फार्मासिस्ट, फिर भी अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से छापेमारी कार्रवाई करते हुए तो वहीं दूसरी तरफ एक ही दिन बाद फिर से काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक अस्पताल है अनन्या हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, जहाँ ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई फार्मासिस्ट। वहीं ACMO सुरेंद्र शाही ने अनन्या हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। अनन्या हॉस्पिटल मेटर्निटी सेंटर करके ये चल रहा था अस्पताल, जिसको मेरे द्वारा चेक किया गया और यहाँ पर 4 मरीज भर्ती पाए गए, लेकिन कोई भी चिकित्सक के नाम पे कोई भी नहीं था। एक GNM स्टाफ नर्स है वो चक्कर लगा रही है और बाकी डॉक्टर के नाम पे कोई नहीं। खबर फरीदाबाद से, जहां सोया चाप बनाने वाली नकली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। बता दें कि फैक्ट्री मालिक पर सोया चाप में मैदे से भरे कट्टे का प्रयोग करने का आरोप लगा है। वहीं इस बाजार में बतौर सोया चाप से ही नाम से बेच रही है। बता दें CM फ्लाइंग ने भाजपा नेता फूड अधिकारी के नेतृत्व में फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि फैक्ट्री संचालक के पास न तो लाइसेंस है, साथ ही बच्चे से मजदूरी कराते हुए पाया गया। पूरे मामले को संज्ञान में लेकर फूड अधिकारी ने जाँच के आदेश जारी किए। आज CM फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑटोपिन का जो एरिया है मुजेसर थाने के एरिया में, वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे फर्जी सोया चाप बनाई जा रही है मैदा से, और लगभग 2 क्विंटल रोज़ाना वो सप्लाई कर रहे हैं 60 रुपये किलो के हिसाब से, जो कि सोया चाप जो है महंगी मिलती है वैसे। इस आधार पे संबंधित विभाग को लेके वहाँ कार्रवाई की गई, तो उसमें फूड एंड सप्लाई वालों को जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं वो पाए गए जो कमर्शियल यूज़ करते हुए, और उसमें कुछ जो बच्चे वहाँ काम कर रहे थे उसमें से 2 या 3 हैं जो माइनर हैं, तो उसकी कार्रवाई हो रही है। देखिए CM फ्लाइंग की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे चाप बनता है, चाप में जो अलग अलग विभागों से डिपार्टमेंट से लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई कि छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं, जैसे बच्चों से पूछताछ हुई है, काउंसलिंग कराई गई है, वह ठेकेदार के थ्रू यहाँ पे लाए गए हैं, जो बच्चे यहीं पे रहते हैं 24 घंटे और यहाँ पे दिन सारे दिन वो काम करते हैं, चाप लपेटने का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 3 बच्चे हैं। कितने कितने उम्र के बच्चे होंगे? देखिए बच्चे तो अपनी उम्र अभी बता नहीं रहे, लेकिन देखने से लग रहा है 14-15 साल के करीब के हैं सभी। मैदा चाप हैं जो दुकान, इन्होंने बताया है कि मैदा चाप कह के ही बेचते हैं, उसको मैदा से बनाई जा रही थी। अच्छा, तो ये सोया चाप ना होकर मैदा चाप थी? ये मैदा चाप। तो क्या क्या खामियां पाई गई हैं? जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट के हिसाब से तो लाइसेंस नहीं है और इनके सैंपल हमने ले लिए हैं, अदरवाइज और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, जिसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी है, फूड सप्लाई भी है, और अलग अलग विभाग बुलाए गए हैं CM फ्लाइंग द्वारा जो अपने अपने लेवल पर काम करेंगे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस